दस शिवलिंग का दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग करने का मन नहीं करा लेकिन पब्लिक लोग के लिए क्या कर रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है कुणाल और आप लोग देख रहे हैं कुन्नू ब्लॉगर। तो आज है महाशिवरात्रि और उसी के ऊपर आज का ब्लॉग है। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला, तो वीडियो को अंत तक देखना और एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और एक कमेंट भी। ठीक है, बाय। तो गाइस, इस बार एकदम गुफा जैसा बनाया गया। अरे यार, रिकॉर्डिंग करने का मन नहीं करा लेकिन पब्लिक लोग के लिए क्या कर रहे हैं। अंदर 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 घुसने के लिए चलो 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 चलो। हाँ भाई, ना पूजा कर ली है फिर भी हम वीडियो बनाने के लिए आए हैं। अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ था जिसके वजह से रिकॉर्डिंग करने नहीं दिया सही से, इसीलिए बाहर निकला है। वैसे पूजा तो करना नहीं था इसीलिए रुके भी नहीं, क्योंकि पूजा हम कर चुके हैं अगला मंदिर में। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं पंडाल बना हुआ जो बच्चा लोग के लिए 20 रुपये में। और एक ये भी बच्चे ही लोग के लिए, दोनों बच्चा लोग के लिए। हम लोग के लिए कुछ है कि नहीं? ये देखिए, ये है हम लोग के लिए। यहाँ खाने के लिए सब रात को होगा, सब तैयारी चल रहा अभी, सब रात में होगा। मेरा चप्पल कहाँ गया? गाइस, ये लड़की हर बार हाथ में कुछ ना कुछ लेके रहती है अपना चेहरा छिपाने के लिए। जा रहे हम गाइस, ये नंदी महाराज का छुट्टी गया था। ये नंदी महाराज, तो गाइस हम लोग जा रहे हैं 12 शिवलिंग का दर्शन के लिए। तो 2 शिवलिंग हम लोग का दर्शन हो चुका है, अब ये 10 शिवलिंग का दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो बने रहे, आप लोग को वीडियो के तहत नहीं फोटो के तहत दिखाएंगे कि शिवलिंग कहाँ का कैसा था। ठीक है, बाय टाटा। तो गाइस, महाशिवरात्रि के समय 12 शिवलिंग का दर्शन करना चाहिए और मेरा तो 2 शिवलिंग का दर्शन हो गया, लेकिन मम्मी का भी 11 शिवलिंग का दर्शन बाकी है, जिसमें से एक शिवलिंग का दर्शन हम लोगों ने अभी किया जो कि भूतनाथ मंदिर का था। तो चलिए अब 11 शिवलिंग का दर्शन करने के लिए हम निकलते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो इन्जॉय कीजिए। तो नंबर 10 में आता है ये मंदिर जो कि है सेंटर पॉइंट में और SBI बैंक के बगल में। तो हमें लगा नहीं था कि यह मंदिर खुला होगा, लेकिन ये खुला था। और नंबर 9 में है ये मंदिर जो कि नंबर 10 वाले मंदिर के जस्ट बगल में ही है, जिसे काली माँ का मंदिर भी कहा जाता है। और नंबर 8 में है राम मंदिर जो कि बैंक मोड़ थाने के पास है। यहाँ पर भी एक शिवलिंग है जो कि ये रहे। और 7वें नंबर में जो मंदिर आता है वो पुराना बाजार का मेन मंदिर है, मेन कह लो शिव जी का मंदिर है। और इस मंदिर में हमें जल चढ़ाने में काफ़ी मेहनत लगी। नंबर 6 में आता है पुराना बाजार का पानी टंकी के पास हनुमान मंदिर जो कि ये रहा। यहाँ पे है अनोखे शिव जी जिनके बहुत सारे मुख हैं। नंबर 5 में है मनीटाड़ का हनुमान मंदिर। गाइज, इस मंदिर में जो हनुमान जी की और राम जी की मूर्ति है वो बहुत प्यारी है। और यहाँ पे भी एक शिवलिंग है जिसके कारण हमने यहाँ पे भी जल चढ़ाया और यहाँ का भी फोटोग्राफी पूरा हुआ। नंबर 4 में है शक्ति नर्सिंग होम के पास एक छोटा सा मंदिर जहाँ पे हनुमान जी की भी मूर्ति और शिवलिंग भी है। ये छोटा सा जो मंदिर है ये है शक्ति मंदिर और गौरी मेडिकल के बीच में। यहाँ पे सिर्फ पहले यह शिवलिंग ही था, लेकिन अब यहाँ पे घेर के एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया है। ये है शीतला माता का मंदिर जो कि TOP एक्सचेंज रोड में पड़ता है। और यहाँ पर भी एक शिवलिंग है, तो हमने यहाँ पर भी जल चढ़ाया और फोटो खींचा।
और ये मंदिर है बैंक मोड़ के पास आदित्य विजन के सामने। और इसी के साथ मेरा 12 शिवलिंग का दर्शन पूरा होता है, लेकिन मम्मी का भी 12 दर्शन पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए लास्ट मंदिर एक और ये रहा, जो कि है जलाराम मंदिर, जो पड़ता है शास्त्री नगर ढावाटाण में। तो यहाँ का शिवलिंग ये रहा। सो गाइस, अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो और मेरा मेहनत आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। दिल के दिया के तू अजोर लागेलू।